हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, अगर आपके पास अमेज़न का गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर है तो कैसे उसको आप अपनी शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, इस गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर को आप कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं, इसकी क्या वैलिडिटी है, सारा कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अमेज़न ऐप। इस ऐप को करते हैं हम ओपन। ओपन करते ही आपको फ्रंट पे दिख जाता है अमेज़न पे, ये देख सकते हो। इसी में हम अपने गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर को ऐड करके यूज़ करना सीखेंगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपको फ्रंट पे अमेज़न पे ना दिखे तो आपको क्या करना है, जैसे आप होम पेज पे आते हो अमेज़न पे, आपको सबसे नीचे यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा अमेज़न पे, आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका अवेलेबल बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा 472 रुपीस बैलेंस है। अब हमें गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है छोटे से एरो पे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से आपको बैलेंस ऐड नहीं करना। अगर आप यहाँ से बैलेंस ऐड करते हैं तो फिर आपसे पैसे मांगेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI से। हमें अपना गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस, और इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमें गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर का कोड एंटर करना है। अगर आपके पास गिफ्ट कार्ड है तो उसके पीछे स्क्रैच करेंगे तो इस तरह का कोड होगा, वो आपको एंटर करना है। अगर आपके पास ई वाउचर है जो कि आपके मैसेज में या मेल पर आया है तो उसमें भी आपको इस तरह का कोड दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और जब भी आप इस बैलेंस को यूज़ करोगे हमेशा वही यूज़ होगा जो पहले एक्सपायर होने वाला होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कोड एंटर करते हैं जो भी हमें आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो कोड आपको एज इट इज़ यहाँ पे एंटर कर देना है, और उसके बाद आपको ऐड टू योर बैलेंस पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं कि हमने गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर का बैलेंस यहाँ पे ऐड कर लिया। और अगर आपके पास और भी गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर है तो उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और इसको आप आराम से बिल पेमेंट, रिचार्ज और शॉपिंग में यूज़ कर सकते हो। आगे अभी हम सीखेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको लाइव बैलेंस चेक करा देता हूँ। ये बैलेंस वहाँ पर टोटल हो चुका है। वापस आते हैं और अमेज़न पे में जाएंगे, और आप देख सकते हो अब मेरा बैलेंस 1472 हो गया है। चलिए मैं आपको लाइव एक शॉपिंग करके, एक प्रोडक्ट बाय करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से सर्च करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं एक प्रोडक्ट बाय करता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। और इसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, बाय करेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं, बाय नाउ पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की वैल्यू दिख जाती है। अगर कोई डिलीवरी चार्ज लग रहा है वो आपको दिख जाएगा, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक अमेज़न पे से ही पेमेंट होगा जिसमें हमने बैलेंस ऐड किया था। ये डिफ़ॉल्ट में कैसे सिलेक्ट है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। नीचे आके आपको पे विथ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक अमेज़न पे सिलेक्ट है। अगर आपका बैलेंस कम है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो आप बाकी का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरा बैलेंस सफिशिएंट है, हम अपने अमेज़न पे से ही इसको ऑर्डर करेंगे। प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस डेट में आएगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बैलेंस भी चेक करा देता हूँ, जो हमने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है इसका बैलेंस भी वहाँ से कट चुका होगा। वापस आते हैं, अमेज़न पे जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस हमारा डिडक्ट हो चुका है। और अगर आपको प्रोडक्ट को चेक करना हो कि क्या स्टेटस है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। योर ऑर्डर में जाके आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑर्डर का स्टेटस आपको दिख जाएगा यहाँ से। शॉपिंग के अलावा आप इस बैलेंस को बहुत सी जगह यूज़ कर सकते हैं। आइए सीखते हैं, अमेज़न पे दोबारा चलते हैं, और जैसे आप होम पेज पर आते हैं आपको थोड़ा सा नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में इस बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे बस की टिकट, ट्रेन की टिकट, मूवी टिकट, मोबाइल का रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, सिलेंडर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ ऑर्डर करना है तो स्विगी से, डोमिनोज से, उबर वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो काफ़ी सारी कैटेगरीज़ है। एक मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, मोबाइल का रिचार्ज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोबाइल रिचार्ज पे, इसके बाद ऐसे दिखेगा,
जो भी नंबर पे रिचार्ज करना चाहते हैं वो नंबर आप डालिए, इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा कौन से कंपनी का नंबर है और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं नंबर यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं अमाउंट एंटर कर लूँगा। यहाँ से आप प्लान भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है यहाँ से। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऐसे दिखेगा, आपको इसको राइट स्वाइप करना है इसको ऐसे, और आपका रिचार्ज हो जाएगा। आपको इस तरह से दिखाई देगा, 2 से 3 सेकंड लेगा, आप देख सकते हो, और रिचार्ज आपका सक्सेसफुल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमने रिचार्ज करना भी सीख लिया। और अगर आपको ट्रांजेक्शन देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे आपने कितना यूज़ किया, देख सकते हो। मैंने 2 ट्रांजेक्शन अभी आपके सामने किया और इस अमेज़न पे बैलेंस से मैंने ट्रेन की टिकट भी बुक की हुई है, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। ये एक ट्रांजेक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं 44 रुपीज़ अमाउंट अमेज़न पे बैलेंस से ही डिडक्ट हुआ है। अगर आपके पास सफिशेंट बैलेंस है तो आप पूरा टिकट का अमाउंट अमेज़न पे बैलेंस से भी कर सकते हैं। इस गिफ्ट कार्ड और वाउचर की वैलिडिटी 1 साल की होती है। जिस दिन आपको ये इश्यू हुआ है उस दिन से लेके ये 1 साल तक के लिए वैलिड है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे गिफ्ट कार्ड कहीं खो गया या वाउचर डिलीट हो गया तो आपको दोबारा से इशू नहीं होगा, तो प्लीज़ इसको संभाल के रखिएगा। तो इस तरह से आप अपने गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो किसी और के लिए भी यूज़फुल है तो आप चाहें तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।